एक जाट जाट, दो जाट मौज, तीन जाट कंपनी और चार जाट फौज, ये लाइन तो आपने खूब सुनी होगी। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स पर। हरियाणा की राजनीति जाट समुदाय के ईदी गिर्द घूमती रहती है। आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए जाटलैंड में सेंधमारी करना इतना आसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस जाट वोटों पर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नजर गैर जाट समुदाय के वोट बैंक पर है। इसके चलते ओबीसी से आने वाले नायाब सिंह सैनी को सत्ता की कमान सौंपी गई है। ऐसे में बीजेपी क्या जाट समुदाय के वोटों को साधे बिना हरियाणा की जंग फतह कर पाएगी? आइए जानते हैं हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स के बारे में। हरियाणा में 30% जाट समाज किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने और किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। रोहतक, सोनीपत, कैथल, पानीपत, जींद, सिरसा, इज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जिले के करीब 35 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा प्रभाव है। इसके चलते ही इस इलाके को जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ की सीटों पर जाट समुदाय हार जीत का फैसला करते हैं। जाटलैंड की सीटें बीजेपी के लिए टेंशन बनी है। कांग्रेस को अपनी सत्ता में वापसी की उम्मीद दिखा रही है। अब आइए जानते हैं बीजेपी को किस बात की टेंशन है। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो जाट समुदाय हरियाणा की सत्ता से वंचित है। गैर जाट हाथ में सत्ता की कमान रहती है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी बाधा सामने आई है, क्योंकि पार्टी के पास जाट वोटरों को प्रभावित करने वाला कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे प्रमुख जाट नेता साइडलाइन हो गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब जाट वोटों की सियासी ताकत को समझने हुए बीजेपी विधायक के चुनाव से ठीक पहले जाट समुदाय से आने वाले किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर राजनीतिक संदेश देने का दावा कर दिया है। जाट वोट बैंक पर कांग्रेस की कैसी पकड़? हरियाणा में जाट आबादी भले ही 30% है तो गैर जाट फीसदी 70%। इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनकी काफी प्रभाव पड़ता है। 2019 विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और कुछ सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी के तमाम दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास चली गई। प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक जाट चेहरा है। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए जरूर किरण चौधरी को आगे किया, लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी का वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत है, बीजेपी के पास फिलहाल मजबूत और प्रभावशाली जाट चेहरा नहीं है। अब ये जानते हैं कि इस चुनाव में जाटों का झुकाव किस तरफ है। बीजेपी ने पूरी तरह से गैर जाट वोटरों पर अपना फोकस कर रखा है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों बीजेपी इन गैर जाट समुदायों को लेकर सत्ता हासिल करती आई। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें बीजेपी और 5 कांग्रेस जीतने में सफल रही। इस चुनाव में जाटों दलित समीकरण कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा और इस फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में उतरने को रोडमैप तैयार किया गया। ऐसे में देखना यह है कि जाटों का विश्वास किस साथ और इस बार चुनाव में किसके साथ रहता है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट भाजपा के साथ जाते हैं या एक बार फिर से कांग्रेस पर अपना भरोसा जताते हैं।